लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर तो ये फाइल यहीं भूल गए। इम्पोर्टेंट फाइल है बोल रहे थे, कुछ काम होगा, वापस जाकर दे देता हूँ। छोड़ मुझे, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। छोड़ मुझे, छोड़। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रहे। सर, सर, क्या हुआ सर? ओए, भाग कर आए। शिट, तू भाग गया। Yeah.
ए! तो, अबे तू है कौन? बोलना। ए! कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस दुनिया में हर इंसान दो मुखौटे पहने रहता है, एक धर्म का और दूसरा अधर्म का। पर जब किसी दूसरे को बचाने की बात सामने आती है, धर्म अधर्म इस बात पर ही युद्ध करने लग जाते हैं। इस युद्ध में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये आप चुनते हैं। वैसे मेरा नाम है देवकी नंदन शास्त्री। आप चुप क्यों बैठे हैं, बोलो। सर, ये कहता है हम जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। पृथ्वी और सूरज के बीच के अंतर को साइंटिस्ट रिचर्ड और डोमिनिक ने 1672 में पहली बार कैलकुलेट किया था, और उनका कहना था। एक्सक्यूज मी मैम। यस। योग सहस योजना पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू। क्या बोल रहे हो? योग सहस योजना पर भानु मतलब 15,35,00,000 किलोमीटर। अगर इतना ही सूरज और पृथ्वी के बीच का अंतर है, आपको पता है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखा था, तो फिर ये रिचर्ड अंकल ने कौन सी नई बात बता दी? बहुत बोलते हो, चलो प्रिंसिपल के पास। इतना ही नहीं, गांधी जी ने भूखे रहकर सत्याग्रह करके हमारे देश को आजाद किया है, ऐसा मैंने पढ़ाया है। सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई करके हमारे देश को आजाद किया है, ऐसा ये बोलता है। मैं पढ़ा रही हूँ वो सच है या ये बोल रहा है वो सच है, और इसी बात पे मुझसे आर्ग्यू करता है और इरिटेट भी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले क्लासमेट विजय को जबरदस्ती खजाना ढूंढने के लिए अपने साथ शमशान ले गया था। भाई, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, तू आएगा ना भाई? अबे जा यहाँ से, तेरे साथ गया ना तो मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। ए, भाई तू तो चलेगा ना? मैं? ठीक है चल भाई, ठीक है चल। भगवान, भक्ति, माता, मंत्र, पुराण, वेदांत के बारे में बाकी बच्चों को सिखाता है। सर, मेरा बेटा अभी बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखूंगी। भगवान के लिए इसे माफ कर दीजिए सर। अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो मेरे साथ काम करने वाला पूरा स्टाफ नौकरी छोड़ करके चला जाएगा। आपके बेटे की वजह से मैं अपना स्टाफ नहीं खो सकता। इसने ये हरकत 5वीं बार की है, अब मैं और नहीं सहन कर सकता। भगवान के लिए अपने बेटे को ले जाइए। अब मैं क्या करूँ? माँ, मेरा भाई कितना टैलेंटेड है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है, एक काम करो, उसे जल्दी से मैसूरू भेज दो। मैं उसे यहाँ के अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, फिर कुछ सालों में देखना मेरा भाई क्या बन जाएगा। जैसा मेरी बहन ने बोला था, मैं मैसूर आकर बहुत बदल गया था। इनफैक्ट मेरी बहन को भी नहीं लगा था कि मैं इतना बदल जाऊंगा। देव, कितनी बार तुझे बोला है घर पर ये सब नहीं चलेगा, तुझे समझ नहीं आता? दीदी, मैं अब और मुखौटा पहन के नहीं रह सकता, और मुझे नकली लोग पसंद भी नहीं। तू और तेरे विचार, इन सब का तो कोई जवाब ही नहीं। दीदी, सच कहूँ तो मैं भी बाकियों की तरह अच्छा आदमी बनना चाहता था, पर क्या करूँ यार, हमसे ना हो पाई। क्यों? इधर आओ दीदी। क्या है? बैठो। ये देखो, ये मेरी कुंडली है। मेरी कुंडली में शनि मेरे पीठ पर बैठकर भरतनाट्यम कर रहा है, तो और राहु मेरी नाक पर बैठकर भंगड़ा पा रहा है। ऐसे वक्त में किसी गुरु को मेरा हाथ पकड़कर ही मुझे सही रास्ता दिखाना चाहिए, पर ये भाई साहब
मेरी कुंडली में अभी 60 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। मेरी राशि में एंटर करने के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। हे भगवान, क्या करूं मैं? अपुन यही सब पिएगा, अपुन के हाथ में कुछ नहीं है। इसे देख के इतना समझ लो दीदी, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद नहीं कर रहा, मेरी राशि में जो ये ग्रह बैठे हुए हैं यही ऐसे काम मुझसे करवा रहे हैं। पढ़ाई करके भी इनमें विश्वास रखता है, तू एजुकेटेड है। दीदी, ज्ञान और विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। हे भगवान, जब आंख बंद करते हैं तब मिलता है ज्ञान, और आंखें खोलते हो तब मिलता है विज्ञान। मेरी बात सुन लो दीदी, भगवान के बिना सृष्टि नहीं, सृष्टि के बिना कुंडली नहीं, कुंडली के बिना हम नहीं, हमारे बिना किसी बात में विश्वास नहीं। तो कुंडली में विश्वास रखना अंधविश्वास नहीं है। मेरा तो तुझ पर से ही विश्वास उठ गया है। अरे जाओ जाओ, 3 महीनों में ना जब गुरु मेरी कुंडली में आएगा तब बात करेंगे। दर्शकों, आप सभी ने इनके बारे में पहले सुना ही होगा। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सूर्यकांत जी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और उस वजह से उनकी मौत हो गई। पर इनकी मौत प्री प्लांट मर्डर है, इस बात की अफवाह सोशल मीडिया पर आजकल फैलाई जा रही है। इस शक को आग देने का काम एक पोस्ट का था जिसे अज्ञात व्यक्ति ने पोस्ट किया। हेलो, टीवी देखा क्या? सूर्यकांत के बारे में न्यूज में बता रहे हैं। हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2016 में डॉक्टरेट की मानद मैं कॉल करती हूं सम्मानित किया था। डॉक्टर सूर्यकांत जी की मौत 20 दिसंबर के एक दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ने से हुई। मैं सब संभाल लूंगा। अब आपने कहा तो काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई। अब देखना ये है कि अफवाह फैलाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। ठीक है, अब जाइए, कल मिलते हैं। ओके, नमस्ते। सर को आपसे बात करनी है। नमस्ते सर। आईजी साहब, आप शहर में ही हैं क्या? जी सर। न्यूज देख रहे हैं क्या? हाँ, वही देख रहा हूँ सर। क्या कहा था आपने? अगर ये कहेंगे कि सूर्यकांत की डेथ नेचुरल है तो केस क्लोज हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही नेचुरल नहीं दिखा रहे हैं? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आराम से समझिए, टेक योर ओन टाइम। और फिर एक सेकेंड। ए, वो डबल मर्डर केस हैंडल करने वाला इंस्पेक्टर कौन था? विजय सर। ये केस विजय को हैंडल करने दीजिए। हेलो। हाँ सर। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। देव, इस साल शादी के लिए हाँ बोल दे, तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अरे इस बारे में बाद में बात करेंगे दीदी, मैं चलता हूँ। संभल कर जा। हाँ। फिर आ गया लफंगा कहीं का। ओहो हो, मिस्टर देवकीनंद शास्त्री, बैग लेके बैंगलोर जा रहे हो क्या? सुनो, तुम्हारे बैंगलोर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों भाई, क्या हो गया? जल रही है क्या? बताओ, और कोई खास खबर है क्या? ऐसी कोई खबर नहीं जो मैं वकील से शेयर करूं। खैर, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। हाँ। जाने से पहले सोचा तुझे अपना चेहरा दिखाते हुए जाऊं। ऐसा क्या? ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। चल भाई। भगवान करे वापस ना आए। 10th स्टैंडर्ड में ही माँ चल बसी, तब से वेद पुराण अध्यात्म इन सभी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। पर इन सब चीज़ों से जिंदगी भर के लिए पैसे तो नहीं कमाए जा सकते, तो माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लिया। अब्रॉड जाके कुछ साल काम भी किया। अगर पैसे होते तो कैंसर से मर रही मेरी माँ को हम लोग ज़रूर बचा पाते। बस उसी दिन मैंने डिसाइड किया मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। अब्रॉड से वापस आने के बाद
मैंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। इस दौरान मेरी लाइफ में बहुत से अनएक्सपेक्टेड लोगों से मुलाकात हुई। ड्राइवर, मुझे मैजेस्टिक होटल ले चलो। जिस सब्सक्राइबर को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। इसका नंबर स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है? ओह माय गॉड, कितना बकवास होटल है। हे भगवान, इस बंगार पड़े लॉज को रेडी किया है। इस लॉज में अच्छे अच्छे कस्टमर भेज देना भगवान, मुझे बस तुझ पर भरोसा है। Excuse me? Yes? Is this 5-star hotel? No, madam. This is a hotel 5-star. मैंने ऑनलाइन रूम बुक किया था। Give me a room. 1 minute, madam. हाँ madam, बुकुड madam, बुकुड। Welcome madam, I'm Raj, Sidd Raj. ए मुनिया। ये फोन है, अगर कुछ चाहिए तो कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू। वेयर इज ही? और उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? और मेरे पास इंडिया में ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा काम खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द इंडिया से चली जाऊंगी। यह है मेरा फ्रेंड एनजी गोपाल। एनजी मतलब किसी काम का नहीं। मैगी को कभी आइसक्रीम के साथ खाया क्या? आके देख, मजा आ जाएगा तुझे। चलते हैं ना भाई। तेरे मुंह पे थूकने का मन करता है? काय को? अभी तो तूने मेरा फोन कट किया था। इतनी जल्दी तू मेरे घर कैसे पहुंच गया बे? देख भाई, मैं ना किसी ट्रैफिक में रुकता नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना तो भाई घुसा घुसा के पहुँच जाता हूँ। दिमाग से पैदल आदमी, चल साइड हट। अरे देख भाई, मैं कहीं जाने वाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा। तो अभी घर पे रेस्ट करेगा या मेरे साथ बाहर चलेगा? रेस्ट कर करके बॉडी रेस्ट इन पीस हो गई है, मैं बाहर चलूंगा। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस फाइल में सूर्यकांत मर्डर केस से जुड़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ओके सर। मुझे इससे रिलेटेड सारे कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप डिटेल्स और साथ ही मेल डिटेल्स भी चाहिए। ठीक है सर। जितना भी जल्दी हो सके किसी को ढूंढो और काम पर लगा दो। ठीक है सर, हो जाएगा। एक और जरूरी बात, इस केस के बारे में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। सर, और उस हैकर को? तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी है? जितना कहा गया ना सिर्फ वही करो। क्या प्रॉब्लम है? आपकी बुक लेके मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा क्या? एक बुक के लिए कितनी बार फोन कर दिया? सर, ये बुक हमारी लाइब्रेरी में एक ही पीस है। अरे एक ही पीस है तो मेरी मेंटल पीस क्यों खराब कर रही हैं आप? सॉरी सर। अरे अरे, इतनी सी बात के लिए सॉरी क्यों बोल रही हैं? अगर अगली बार आपको फोन करना पड़े ना तो मुझे कॉल कीजिएगा। कॉल मी एनी टाइम एनीवेयर, जब दिल करे। अपने मुंह में केला डाल। मैं इस इशू की कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन बॉक्स किधर है? मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी सर। अगर फिर भी आपको कंप्लेन करनी है तो आपके राइट साइड में है। थैंक यू।
अरे तू, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब तो पूरे दिन की पनौती लग गई। Same here, get lost. कौन है ये लड़की, इतना चिल्ला रही है? कौन थी वो? बहुत लंबी कहानी है, छोटी करके सुना दे, मैं सुन लूंगा। मेरी दीदी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा था, वो भी मैट्रिमोनी से। दीदी ने जबरदस्ती की कि मिल लो उससे, तो उनकी बात मान के मैं चला गया। हाय, आर यू मिस्टर देवकीनंद शास्त्री? या आर यू मिस जानवी? प्लीज हैव अ सीट नाउ। थैंक यू। क्या कर रही हो? मोबाइल ढूंढ रही हूँ। हेलो, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अपनी जिंदगी में क्या कर रही हो। ओ सॉरी, मैं आर्कियोलॉजी की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी एक सब्जेक्ट पर थीसिस लिख रही हूँ। अपनी कुंडली लेकर आई हो? क्या कुंडली? आप इन सब चीजों पर विश्वास रखते हैं? बहुत रखता हूँ, पर मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस बता दो, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ठीक है, लिखो। बोलो। 30 30 08 08 1994। प्लेस? सागरा। सागरा। टाइम? 2:30 AM। 2:30। तेरी की। ये क्या दो कौड़ी की कुंडली है? इतनी ज्यादा वाहियात, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की इतनी घटिया कुंडली देखी नहीं। देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मेरी या मेरी कुंडली के बारे में अनाप शनाप बकवास मत करो, समझे? अरे वाह 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 वाह, शनि तुम्हारे ऊपर बैठा है इसलिए तुम इतनी जिद्दी हो। जानती हो तुम्हारी कुंडली में शनि गुरु के पीछे हाई स्पीड में पड़ा हुआ है। बड़ा जब तुमसे शादी करेगा ना, वो इस दुनिया से कल्टी हो लिया। एजुकेटेड होकर भी शास्त्र कुंडली ग्रहों जैसी बकवास कर रहे हो? तुमसे शादी करना मतलब बैल के सामने जाकर कूद जाना। हेलो, कुंडली शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तुम्हें क्या पता है? इस पृथ्वी पर जितना मैं और तुम सच है ना, उतना ही ग्रहों की चाल भी सच है। तुम्हारा ये ज्ञान तुम्हें ही मुबारक हो। आ जा जा फुट, जो तुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जब उनकी पुंगी बजेगी ना तब तुझे पता चलेगा, तब याद करेगी मुझे। भाड़ में जाओ इडियट। जिंदगी भर कुंवारी रह लेना, पर तू इससे शादी मत करना। यस यू आर करेक्ट। जो तुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जब उनकी पुंगी बजेगी ना तब तुझे पता चलेगा, तब याद करेगी मुझे। मैं अभी आई स्वरा। हे, अब देव, देख मुझसे लिख के ले इस जन्म में तेरी शादी हो रही नहीं वाली। मनुष, हाँ बोल ले मनुष। देव, ओ लड़की की एंट्री, गॉगल लगा के स्वैग मारता हूँ। ये क्या हो गया भाई? आज आर्कियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को ढूंढते हुए चली आई, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू कर दिया क्या? ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? वो भी मुझसे? अगर मैंने तेरी मदद की ना तो मेरी पुंगी बच जाएगी। तेरी कुंडली कुंडली नहीं बल्कि कोबरा सांप है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, मेरी मदद चाहिए इसे। हे! अरे छोड़ छोड़ ना भाई, छोड़, जाने दे। जानू, तू इंसान ही है ना तू? एजुकेटेड फूल, उसके बारे में तुम्हें पता ही क्या है? बिना कुछ सोचे समझे बोल रहे हो। बचपन में माँ बाप चले जाने के बाद अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। जिन लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा संस्कार है उसमें, किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब कि इस दुनिया में वो एक ही निस्वार्थी लड़की है। उससे जो भी शादी करेगा बर्बाद नहीं होगा, उसके पिछले जन्म के पुण्य ही होंगे। थू, शास्त्र बोलता है, कुंडली बोलती है। भूतनी कैंजी, उसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? लाइफ में पहली बार कोई लौंडिया मुझे थप्पड़ मार के चली गई है, उसे मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तू कुछ भी बोल ले, गलती दे रही है। मैंने क्या गलती की बे? तूने कितनी बदतमीजी से बात की उसके साथ। उसकी कुंडली में जो लिखा है मैंने बस वही बताया, इसमें क्या गलती कर दी? मैं नहीं कह रहा कि तूने गलती की है, पर तू देख किससे कहां किस तरह बात करनी चाहिए आता ही नहीं है, बोल तो मैं सिखा देता हूं। वैसे मेरे दिमाग का घोंसला हो रखा है, तेरा घोंसला फोड़ दूंगा, चुपचाप ही। तूने उसे जो भी कहा है, अगर उससे फ्रस्ट्रेट होकर उसने सुसाइड करने का सोचा तो? अबे, उसकी कुंडली में सुसाइड करना नहीं लिखा है, सुसाइड करवाना लिखा है। क्या कुंडली कुंडली बोले जा रहा है? आजकल के जमाने में ना लोग छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, और जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उसे और बड़ा बना देते हैं। तेरी गलती ये हुई है कि तू उसके पर्सनल स्पेस में घुसा, जाके सॉरी बोलते मान जाएगी। क्या बोला? मैं उससे जाके सॉरी बोलूं?
सूरज रात में निकल सकता पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कह सकता। अबे तू तो सेल्फिश का भी बाप निकला। तेरे दिल के अंदर वो दिल नहीं पत्थर है, इमोशंस मोशन में बह गया है कहीं। इंसान के अंदर ना इंसानियत होनी चाहिए, वरना उसमें और जानवर में क्या फर्क है। इंसानियत दिखा, इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी भी। तू मेरा भाई है यार, सही सलाह दे रहा हूँ, बदल जा वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अपने तेवर बदल वरना जिंदगी भर अकेले ही रहेगा। इंसानियत दिखा और जाके माफी मांग ले, माफ कर देगी तुझे। अबे मेरे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा, उसके मन का दुख दर्द कम हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ठीक है, मैं बोलूंगा, पर एक कंडीशन पर। तो क्या है? जब मैंने सॉरी बोला अगर उसने भाव खाया तो उसे खींच के। अरे ऐसा क्यों सोच रहा है, तू दिल से माफी मांग, वो माफ करेगी। बोल तो एक और बियर मंगाऊं? बोल। देख तेरा दोस्त होने के नाते एक बात बोलता हूँ, तू ना अपनी जिंदगी को मैं ऐसे जीऊंगा वैसे जीऊंगा ऐसे बोल बोल के एक बाउंड्री बना लिया है। छोड़ इसे, बाउंड्री के बाहर आ जा और फिर इस दुनिया को देख, तब तुझे हकीकत समझ में आएगी। ए वेटर इधर आना रे, कहाँ रह गया? नीलमंगला के गुमाला की जमीन पर चेक डैम के निर्माण के लिए वहाँ के लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। एमएलए निजामगुन्ना के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि वो सरकार की नहीं उनकी जमीन है, उनके गांव की जमीन है। गोमाला को बचाने के लिए और बेघरों को जमीन वापस दिलवाने के लिए लोगों ने नीलमंगला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। अगर तुम हमें इस केस से जुड़ी सभी बातें बता दो। ये जॉन है। हाय सर। हाय जॉन। कोई क्लूज मिले? सर कॉल डिटेल्स चेक करने पर पता चला वो ज्यादा कॉल्स नहीं करते थे, सभी कॉल्स नॉर्मल लग रहे थे। व्हाट्सएप मैसेज चेक करने पर भी किसी के डराने के या धमकाने के कोई मैसेज नहीं थे। जॉन मेल्स में क्या मिला? सर कुछ खास नहीं मिला, सब नॉर्मल मैसेजेस हैं। सर मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से भी ये 100% नेचुरल डेथ है। मुझे लगता है हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर। अबे तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? देख मेरे भाई, वो लड़की आई है, यहाँ अंदर ही गई हुई है, जैसी वो बाहर आएगी तू उसे बोल देना। अरे कौन आई है और बोलना क्या है? अबे जानवी आई है, सॉरी बोलना है। देख बे अभी राहु काल है, इस टाइम में जो करते उल्टा हो जाता है, मैं उसे कल आके सॉरी बोलता। ए, तेरे लिए इतनी देर से इतनी धूप में खड़े रहकर सब कुछ सेटिंग किया मैंने और तू ऐसी बातें कर रहा है? वो आएगी, तू सॉरी बोलेगा, वो भी आज ही। ऑल द बेस्ट। वो आ गई। ये यहाँ क्यों आया है? मुझे क्या करना है, किसी काम से आया होगा। चालू तो घंटा नहीं होगी। मुझे भी यही स्कूटी खरीदनी थी। आज सुबह ही तो पेट्रोल डलवाया था। जानवी जी मैं आपकी हेल्प कर दूं? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इमोशंस के बारे में, इन फीलिंग्स के बारे में, अपनी खुद की लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। बचपन से ही मैं एक पत्थर दिल इंसान रहा हूँ। जो कल हुआ उसके लिए मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है। मैं कभी किसी को सॉरी बोल दूं ऐसा लड़का नहीं हूं, पर सच कहूं तो पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें सॉरी बोलने का दिल किया। मन बहुत कचोट रहा था। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। क्या सोच रही हो, मुझे माफ नहीं करोगी क्या? देखो पहले दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने सॉरी कहने के लिए कुछ ज्यादा ही दिन लगा दिए? मेरी मम्मी पापा की बीमारी का सुनकर भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, पर तुम ये सब नहीं समझने वाले। लो मुझे हेल्प करने दो, तुम्हारी स्कूटी स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी,
एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में किसी पर हाथ नहीं उठाया। आई एम रियली सॉरी। लड़ाई करने से बेहतर है कि हम दोस्त बन जाते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स। पर एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। श्योर। बोलो स्वरा। जानू, आज मुझे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेशन बुलाया था। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? ये बताइए, आप सूर्यकांत को जानती थी ना? हाँ, वो फैमिली फ्रेंड थे। 7-8 साल से ही उन्हें जानती थी। मैं उनके साथ लगभग 2 साल से काम कर रही थी। और उनकी मौत से पहले उनकी हालत कैसी थी? हाँ, इस बात पर तो मुझे भी एक डाउट है। कुछ दिन से वो बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे थे, पर उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं सर। और इस बारे में जानने वाला कोई और करीबी है क्या? नहीं सर, वो अपने पर्सनल बातों में किसी को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस केस के बारे में आपको दोबारा यहाँ बुलाया जाए तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। स्वरा, मैं अभी जरा बाहर आई हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। सॉरी, मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। कोई बात नहीं, पर तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतर गया? कुछ पर्सनल है तो मत बताओ, पर शेयर करने का मन है तो बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी देव। जब तुमने मेरी कुंडली देखी थी तब तुमने कहा था कि मेरे ग्रह बताते हैं कि मुझे कष्ट होगा। तब मुझे लगा था ये सब कितना सिली है, पर अब लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ दिनों पहले टीवी पर तुमने सूर्यकांत जी की मौत की खबर सुनी होगी ना? तुमने वो खबर तो देखी थी ना? हाँ, वो न्यूज़ देखी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक था, सर्टिफाइड किया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो हार्ट अटैक नहीं था, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे और उनके बीच में क्या रिश्ता था? तुम्हें क्यों शक हो रहा है? बचपन में ही मेरे मम्मी पापा चल बसे, किसी रिश्तेदार ने जिम्मेदारी नहीं ली। उसी दौरान कोई रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने वाले बस वही थे, जिनकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट बन पाई। सिर्फ वही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। लुक जानवी, मौत के आने का कोई समय नहीं होता है, कभी भी आ जाती है। मौत कभी भी आती है पता है, पर ऐसे आएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। डॉक्टर्स ने खुद सर्टिफाइड किया है ना, नेचुरल डेथ हुई है। नहीं देव, सूर्यकांत जी के सबसे करीब अगर कोई था तो वो मैं थी। उनकी लाइफ में हुए इंसिडेंट के बेस पर ही मुझे शक हो रहा है कि ये मर्डर है। और जिस दिन मुझे ये शक हुआ था, मैंने अपने मीडिया फ्रेंड्स के सपोर्ट से ये इशू क्रिएट किया था, और अब पुलिस इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो टेंशन क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर तो रही है, करने दो ने। उन पर विश्वास नहीं है मुझे, इसीलिए हेल्प के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है, देखते हैं, अभी चले। ऐसा दोस्त मिला है, कोई बुरे कर्म किए होंगे। हेलो। हाय। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? एग्जैक्टली। वैसे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बर्तन धोकर बैठी हूँ। तो फिर आप? आप क्या, तुम बताओ। अरे कुछ बताओ ना, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी तरह कुंडली नहीं देख सकती ना? आजकल तुम मेरी नॉलेज की बहुत मां बहन करती हो। तुम्हारी संगत का असर है। अच्छा ये बताओ,
तुम्हें एडवेंचर पर जाना पसंद है? एडवेंचर? ना बाबा, मुझे डर लगता है। एक बार ट्राई तो करो। ट्राई करो, वो भी इतनी रात को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? एक काम करो, अपने घर के बाहर आओ। हो कहाँ तुम अभी? तुम्हारे घर के बाहर। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कितना टाइम हो गया है? मैं नहीं आऊंगी। अरे आओ ना जानवी। हे, चिल्लाओ मत, आती हूँ। तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या? इस तरह से चिल्ला रहे हो, आधी रात को क्यों आए हो यहाँ? आधी रात को आइसक्रीम खाने से रात में कोई खराटे भी ले तो भी अच्छी नींद आती है। बैठो ना, कहीं चल के आइसक्रीम खाते हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो या आज कुछ स्पेशल है? बैठो फिर बताता हूँ। गॉड, देव यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। देव, हे, हे, तुमने ही तो मदद करने के लिए कहा था। तो यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। अपराध ढूंढने के चक्कर में कहीं हम ही अपराधी ना बन जाए। चलो देव यहाँ से। देखो जानवी जी, अपराधी को ढूंढने के लिए अपराध की जगह पहुंचना पड़ता है। सूर्यकांत की मौत का सारा सबूत हमें सिर्फ इसी घर से मिल सकता है। तो फिर? तो बस मुझ पे भरोसा रखो और अंदर चलो। अच्छा, संभाल के। देव, चलो ना यहाँ से चलते हैं। चुपचाप चलती रहो। जानू, क्या खबर लाई हो? तुम बहुत खुश लग रही हो। पहले अपना आशीर्वाद दीजिए, फिर बताऊंगी। जीती रहो। सर, मैं स्टेट में फर्स्ट आई हूँ और इस बात को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती थी। लीजिए। अरे मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें तो अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए। सर, मेरी सक्सेस की वजह सिर्फ आप हैं। मेरे माँ बाप, सगे संबंधी और फ्रेंड्स सब आप ही हैं। हे जानवी। हाँ? वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ऊपर आओ। इस घर में वो अकेले रहते थे या उनके साथ कोई और भी था? नहीं, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। सूर्यकांत जी की मौत नेचुरल नहीं थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसमें बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। लोगों की नजर में वो एक नामी आर्कियोलॉजिस्ट थे, पर उन सबसे बढ़कर वो एक देशभक्त भी थे। सर की मौत से एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझे घर बुलाया था। बेटी, इस परिस्थिति में तो मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। तुम पर भरोसा है इसलिए बॉक्स तुम्हें दे रहा हूँ। इसे लेने के लिए एक आदमी तुम्हारे पास आएगा। इसे उस आदमी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर है। लेकिन सर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो मेरे पास रखना सेफ होगा क्या? होगा, पर आज जो लोग जिंदा है वो शायद ही कल जिंदा रहेंगे। बेटा,
उनकी कही वो बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। उस बॉक्स में था क्या? पता नहीं, वो एक पजल बॉक्स था। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। मुझे लगता है शायद वो बॉक्स जिसके लिए है वही उसे खोल सकता है। सूर्यकांत सर की जब मौत हुई उनकी बॉडी कहाँ पड़ी मिली थी? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देव ये है पार्किंग एरिया, किचन से होकर ही यहाँ पर आ सकते हैं। और उनकी डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? यहीं पर। यहाँ पर? हाँ, पुलिस स्टेटमेंट के हिसाब से जब आधी रात को उन्हें दर्द हुआ होगा तब वो किसी से मदद मांगने के लिए यहाँ आए होंगे। दर्द बढ़ जाने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। लेकिन मुझे एक डाउट है, अगर उन्हें मदद चाहिए थी तो वो मेन डोर से भी आ सकते थे ना, लेकिन वो इस जगह पर क्यों आए होंगे? सो मेरे हिसाब से किसी ने उन्हें रूम में ही मार दिया होगा और डेड बॉडी को यहाँ पर लाकर हार्ट अटैक का सीन क्रिएट किया होगा। देखो जानवी, एक मर्डर को आइडेंटिफाई करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, पहला होता है इल्यूजन, दूसरा होता है अजम्पशन। तुम्हें अभी इल्यूजन हो रहा है कि हत्या इस जगह पे हुई होगी। मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई होगी? नहीं, पर अगर उनकी मौत ऊपर हुई है और लाश नीचे मिली है तब तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक मर्डर है। हाँ? क्या तुम ये हत्या है इसे साबित कर सकते हो? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी काफी लेट हो गया है तो बेहतर होगा हम यहाँ से निकले। बाय बाय। अभी पता चला है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। पुलिस इसकी जांच। पूरी रात तू कहाँ गायब था बताएगा? आने में अभी वक्त लगेगा। हमारे एक रिपोर्टर ने तेरे खर्राटे सुन के किसी को नींद आ सकती है भला? सारे सबूत फॉरेंसिक। तेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है तो मुझे दूसरे रूम की चाबी दे देना, मैं वहाँ जाके सो जाऊंगा। हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। उस रूम की चाबी मैं किसी को नहीं दूंगा, उसके खिलाफ वो मेरी पर्सनल स्पेस है, मेरे बिजनेस करने की जगह है वो, समझा गया? बड़ा आया काहे का बिजनेस है, फूटी कौड़ी नहीं कमाता। देव तुमने कहा कि कुछ अर्जेंट है, फिर यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या तुम्हें कोई क्ल्यू मिला है? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरा अजम्पशन है कि ये सब इस तरह से हुआ होगा। बताओ मुझे। सूर्यकांत जी की मौत के 8 से 10 दिन पहले उनके सीने में एक बहुत तेज दर्द उठा होगा, डर के मारे उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया होगा। इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से एक इंसान की बॉडी में मैक्सिमम 240 mgdl, मिनिमम 200 mgdl कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, पर इस रिपोर्ट के हिसाब से उनकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम था, मतलब वो 200 mgdl से काफी कम था। तो एक बात तो साफ है कि पिछले एक हफ्ते से वो उसकी दवाइयां खा रहे थे। बस एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन लास्ट वीक के मेडिकल टेस्ट में एकदम सही आए थे, पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो इंबैलेंस थे। देव क्या सोडियम कैसा पोटेशियम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज जरा ठीक से समझाओ। उससे पहले तुम्हें इन टैबलेट्स का मतलब समझना होगा। हर एक इंसान के शरीर में कैल्शियम ग्लूकोनेट पाया जाता है, लेकिन इनके शरीर में ये बहुत कम था, बस उसी के लिए वो ये गोलियां खा रहे थे।
जिसका साफ साफ मतलब यह है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जितना एक ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा था। यू नो, इसे मेडिकल टर्म में ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस मतलब इन सब बातों का और सर की मौत का क्या संबंध है? संबंध है जानवी, ये हत्या उसी ने की है जो सूर्यकांत जी के बारे में हर एक बात जानता था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जो मैंने तुमसे कहा उस बात को दिमाग में लाइव चला के देखो। हत्यारे को अच्छे से पता था कि सूर्यकांत जी को बहुत हाई डोज की मेडिसिन पर रखा गया है, तो उसने रात को करीब 1 या 1:30 बजे उनके घर की खिड़की जोर जोर से खटखटाई। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? और उसी दौरान उसने घर की लाइट का कनेक्शन काट दिया। कौन है? कौन है? अरे कौन है गेट पे, बोलो ना। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है, बोलो ना, कौन है? देखो जानवी, अगर वो मेन डोर से जाते तो उन्हें डर था कि उन्हें मार दिया जाता, पर शायद वो ये बात नहीं समझ पाए कि मर्डरर उनका पार्किंग में इंतजार कर रहा था कि वो जैसे ही नीचे आए उन्हें मार दे। इस पूरे मास्टर प्लान का सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका मर्डर एक नेचुरल डेथ लगे। यहाँ देखो जानवी, इस स्टेयर केस को गौर से देखो, यहाँ के सारे स्क्रूज को पेंट किया गया है पर ये दोनों स्क्रू नए लगते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? हत्यारा बहुत चालाक है, इसीलिए उसने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, उसने सिर्फ यहाँ से 2 स्क्रू हटा दिए। इस तरह का एक्सपीरियंस तुम्हें भी लाइफ में एक बार जरूर हुआ होगा, मोबाइल देखते देखते अगर लाइट चली जाती है और हम सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और एक सीढ़ी भी मिस हो जाती है तो फिर ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमारी जान निकल जाएगी। बस सेम केस यहाँ भी हुआ होगा, सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त एक सीढ़ी के टूट जाने से उनके दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, अनफॉर्चुनेटली उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। तुम्हारी इस कहानी पर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सन 1902 में इंग्लैंड में एंड्री हुक नाम के एक आदमी की बिल्कुल इसी तरह से हत्या की गई थी, उसे उसकी बीवी ने ही मारा था। यह हत्यारा सच में बहुत चालाक है। अब आगे क्या? देवकी, सॉरी यार, ये केस कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। क्यों बे? सबसे पहली बात, तुमने अच्छी तरह तैयारी नहीं की है। पहले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, डॉक्टर ने ऑलरेडी हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसकी पिटीशन लगाने का मतलब बिना पानी की जगह पे पौधा उगाना। अबे तू काय का वकील है, पानी डालना, और एक बार पेड़ बन गया तो हम जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इन बातों का मतलब? तू बस पिटीशन डाल, सबूत अपने आप मिल जाएंगे। तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, मैं पिटीशन का अरेंजमेंट कर दूंगा। It's getting late. What? Suryakant is dead? और एक हफ्ता हो गया? Oh my God, मुझे चलना चाहिए। Excuse me. Yes. Hi, I'm Dolma और मैं चाइना से आई हूँ। I need to collect a document from Suryakant's PA. Okay, wait for 2 minutes, madam. Okay. हाँ. हेलो मैडम, ढोलमा नाम की लड़की बाहर आपका इंतजार कर रही है। ओके मैडम, ठीक है। यस, हाय, आई एम ढोलमा एंड आई एम फ्रॉम चाइना। ओके, आई केम हियर टू मीट सूर्यकांत सर। सॉरी, ही इज नो मोर। या, आई जस्ट केम टू नो, वेरी सैड, पर एक्चुअली मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स कलेक्ट करने आई हूँ। कैसा बॉक्स? इट्स अ पजल बॉक्स एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर तुम्हें उस बॉक्स के बारे में पता चले देन प्लीज लेट मी नो। हे, आई एम सॉरी, मुझे सच में उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। ओह गॉड, व्हाट विल आई डू? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, किसी ने कॉल किया तो बता दूंगी। ओके, प्लीज मैडम, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, आई नीड दैट बॉक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई ट्राई माय बेस्ट, थैंक्स। नंबर, This is my number. Please take it down. बोलो स्वरा। जानू, सर से मिलने के लिए चाइना से कोई डोलमा नाम की लड़की आई थी। क्या बोल रही थी?
कुछ पजल बॉक्स के बारे में बोल रही थी। बॉक्स? क्या कहा तुमने? मैंने उसे कह दिया कि कोई आइडिया नहीं है। हाँ, पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर और होटल डिटेल्स ले लिया है। मुझे भेज दो स्वरा। या श्योर, अभी भेजती हूँ। ओके। हेलो, इज दिस डोलमा? मे आई नो हू इज दिस? दिस इज जानवी। आई जस्ट गॉट योर नंबर फ्रॉम सूर्यकांत सर ऑफिस। ओके। आई नीड टू टॉक विद यू रिगार्डिंग अबाउट द बॉक्स। ओह, तुम्हें बॉक्स के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है, पर फोन पर सारी बातें करना सेफ नहीं है। क्या हम मिल सकते हैं? ओके श्योर, वेयर? आई विल सेंड यू द लोकेशन, मीट यू ओवर देयर। ओके श्योर, आई विल बी देयर। या बाय। भाई भाई भाई, प्लीज मुझे भी साथ लेके चलना। अरे छोड़ साले, प्लीज प्लीज मुझे लेके चलना भाई। जब मैं अच्छे काम के लिए निकलूं तो ऐसे सांप की तरह चपट मत जाया कर। आस्तीन का एनाकोंडा कितना बदल गया ये। लड़की मिली तो पतली गली पकड़ के खल्ली बल्ली हो गया। एनाकोंडा बोला मुझे। अब कौन से बिल में घुस गया है सांप? भाड़ में जाए भूतनी का। देव, ऑलरेडी टाइम हो गया है, वो हमारा वेट कर रही होगी, प्लीज जल्दी चलो। लुक जानवी, हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो यहाँ पर क्यों आई है, सूर्यकांत जी ने उससे क्या कहा था, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जाने बिना हम उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक होगा, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, समझी तुम? ओके देव, आई विल मैनेज। यहीं पर देव, यहीं पर रोक दो। हाँ, ठीक है। जानवी, इसी जगह के बारे में बोल रही थी? हाँ, यही वो जगह है। देव, वही है डोलमा। तुम्हें कैसे पता कि वही डोलमा है? मैंने उसकी व्हाट्सएप डीपी देखी थी। ये कोरियन शो की हीरोइन यहाँ कैसे आ गई? एनाकोंडा, तू यहाँ कैसे आया? मस्त डिक्की में सो के आया हूँ। पागल आदमी। Hey, who are you? Please leave me. Let me go. Please help me. Help. Please somebody help me. Hey. मैं कोई उसे किडनैप करके लेके जा रहा है। Hey, leave me. जल्दी गाड़ी में बैठो। चल उसका पीछा करते। मैं इस बार डिक्की में आगे बैठूंगा। चल भगा। जल्दी करो। अबे वो शास्त्री, वो लड़की कौन है ये तो बता। मुझे नहीं पता। अबे जब तुझे पता ही नहीं तो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? अबे तूने बोला पीछा कर तो कर रहा हूँ। चलना वापस चल यार, क्यों लफड़े में पड़ रहा है? एक बार आगे बढ़ जाऊँ तो पीछे नहीं हटता। अबे हमेशा आगे बढ़ना जरूरी नहीं होता है, जान अगर प्यारी होती तो पीछे नहीं हटना पड़ता है। अरे यार, मैं क्यों आया यहाँ पे? देख भाई, ये जगह देख के मेरी हवा टाइट हो रही है। ऊपर से वो लोग गुंडे क्यों पंगे ले रहे हैं? हीरोपंती छोड़ो और दिमाग से काम ले। चल चलते भाई। हाँ देव, मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है, इसमें बहुत रिस्क है। हमने ये जगह देख ली है ना, पुलिस को कॉल करते हैं। एकदम करेक्ट बोल रही है ये। एक्चुअली मेरा आज फाइट करने का मूड भी नहीं है, वरना बैट की ग्रिप निकालता ना सब भाग जाते। चलना भाई, बहुत हो गया। वो लड़की खतरे में हो सकती है, उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अरे भाई, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया ना तो चेकमेट बोल के जोर से चिल्लाऊंगा, तो तुम दोनों भाग जाना, ठीक है? समझ गए? ओके ओके, मैं पहले भागूंगा, तू टेंशन मत ले। Who are you?
हेलो बॉस, मैंने नोटिस किया है तू बहुत देर से हम लोगों को फॉलो कर रहा है। इतनी मेहनत करके इसको किडनैप किया है और तू इसको हीरो की तरह साइलेंटली लेके भाग रहा है। ना 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 ना, ये लड़की जैसे बंदी थी वैसे ही बांध के घर चला जा। देख, डायलॉग बोलने का काम मेरा है, हीरो मैं हूँ, समझा? चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना बहुत मार खाएगा। इतना साइलेंटली मारूंगा कि तुम लोग वाइब्रेट भी नहीं कर पाओगे। अच्छा खासा चुपचाप निकल रहा था, पर तुम्हारी किस्मत में ही मार खाना लिखा है। काउंटर देता है। अभी तक उसने भागने बोला नहीं ना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अंदर चलकर देखे क्या? हीरो गया नहीं, हीरोइन चालू हो गई। बोल बे, किसके कहने पे किडनैप किया? बोल वरना और तोड़ूंगा। Stop the car. Who are you all? Why are you following me? Listen, Dolma, we are not following you. We came to save you, okay? Shut up. Don't talk too much. Take this address. तू इस मनचाओ की क्या सुन रहा है? तू बस गाड़ी चला। मुझे हिंदी आती है। आपको हिंदी आती तो बिंदी लगा के माफ कर दो। अब तो गाड़ी चला यार। Move. कहाँ फंस गया? डिक्की में ही अच्छा था। तुम लोग रुको, मैं आया। अबे अब कहाँ जा रहे हैं? देव, देव। ओ शास्त्री, ए! हम भी चले क्या? कहाँ पर? अंदर। पिछली बार बोला था ना कार में रुको, भागने बोलूंगा। तुम यहीं मरो। क्या यार? अरे ये भी गई। ये क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। Hey, हाँ? What are you seeing? Move. Okay, okay, okay. Move, move. Hey, Dolma. Hey, wait, wait, wait. तुम मुझे follow क्यों कर रहे हो? परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, ठीक है? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, वो मैं। तुम इसे जानती हो? ये हमारे ऑफिस में काम करता है। बकवास करना बंद करो। And do as I say. Hey, please wait. I'll explain you everything. Don't move. Okay. Don't take me for granted. Okay. Or else I'll shoot you people. तुम लोग जरूर कुछ करने आए हो। I'm sure you guys are planning something against me. मुझे सच बताओ, तुम लोग हो कौन? और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जल्दी बोलो। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, प्लीज। यू आर। प्लीज मुझे बात करने दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। I said leave the gun. छोड़ डोलमा, छोड़ो। No, छोड़ो। Give the gun. छोड़ो इसे, छोड़। छोड़ो इसे, leave it. अरे, असली खेल तो अब शुरू होगा।
सर, मैनेजर। तुम्हारा नाम क्या है? सेद्दा राजू सर। यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से सर। ये रूम किसने बुक किया था? कोई फॉरेन लेडी थी सर। तू क्या? इस 2 कौड़ी के लॉज में कोई कुत्ता भी नहीं रुकेगा, और तू बोल रहा है कोई फॉरेनर रुकी थी? सर, मेरी माँ की सिर की कसम सर। ए, सोमो, रजिस्टर बुक को चेक करो। जा रजिस्टर लेकर आ। सर, उसने ऑनलाइन बुकिंग की थी सर। फिर से झूठ बोल रहा है सर। तेरे इस घटिया लॉज की ऑनलाइन बुकिंग होती है? सोमो, एक मिनट रुको। सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करके देखो यहाँ पर कौन आया था और कौन यहाँ से गया है। सर, पर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा सर। मैनेजर सिद्ध राजू, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बुकिंग की हुई डिटेल्स भी नहीं है, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया है। कोई भी रूम को बुक कर सकता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर गवर्नमेंट रूल तुम्हें सीसीटीवी फुटेज मेंटेन करनी चाहिए। इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? इतनी कॉमन सेंस नहीं है? पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें मैनेजर बना दिया। मेरे कल सुबह ड्यूटी पर आने से पहले इस केस की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ऑल राइट सर। नहीं सर, नहीं सर। अगली बार जब मुझे दिखोगे ना, तो शेव की हुई दिखनी चाहिए। क्या यार, ये हक्का रूडल को तो अपने साथ लेकर क्यों घूम रहा है? मरवाएगी ये गाड़ी को। ए तू चुप बैठ यार। ए यू, कम आउट। आई सेड कम आउट। ए शास्त्री, क्या कर रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सुनो, मेरा नाम है सरीन डोलमा और मैं हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर सूर्यकांत को मिलने आई थी, और मैंने एक इम्पोर्टेंट पजल बॉक्स दिया था उनको, और मैं यहाँ पर उसे वापस लेने आई थी। जानवी, जरा वो बॉक्स लेके आना। Yes, this is the box I was looking for. Thank you so much for this. What's this? Actually, this is a 1850 में चाइना देश का आखिरी राजा, किंग राज्य का राजा मंचू था, जिसकी आखिरी इच्छा थी अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना। इसलिए उसने राज्य के सारे गुरुओं को अलग अलग देश में भेजकर उन देशों की सारी आयुर्वेद के ज्ञान को लाकर अपने राज्य में उस ज्ञान से एक लाइब्रेरी बनाना चाहता था। इस धरती के सभी तरह की बीमारी पर दवाई बनाने में वो कामयाब हो, ये उसकी इच्छा थी। उसी दौरान ब्रिटिश राज्य से परेशान भारत में आजादी की आको हवा लग चुकी थी, पर मंचू राजा को भारत से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन मंचू के शुभ चिंतक ने उसे रामायण में बताई संजीवनी बूटी के बारे में बताया। आश्चर्य में पड़ा मंचू राजा ने भारत और उसके इतिहास के बारे में खोजना शुरू कर दिया, और उसे अच्छे से जानने के लिए अपने राज्य के प्रभावी राजगुरुओं को भारत में एक खास काम के लिए भेजा। राजा के आदेश अनुसार सारे राजगुरु भारत के नॉर्थ ईस्ट दिशा में घने जंगलों में अपनी खोज पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई आयुर्वेद के पौधे मिलना शुरू हो गए। ज्ञान के इस रास्ते पे उन राजगुरुओं को प्यास लग गई। पानी लेने गए एक राजगुरु को हीरा जैसे चमकने वाला एक पत्थर मिला। आश्चर्य से जब उसने उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में उठाया, तब उसे राजा की कहानी यानी संजीवनी वाली कहानी याद आ गई। अपने बाकी साथियों को अपनी मिली हुई चमकती चीज के बारे में बताकर उसे संजीवनी समझकर राजगुरुओं के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने देश के उद्धार के लिए सभी राजगुरु लौटने के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में उनमें से एक राजगुरु को दिल का दौरा पड़ा और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। बचे सारे राजगुरुओं को इस बात का बहुत दुख हुआ। मरे हुए गुरु की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की और अपने रास्ते पर चल पड़े, पर धीरे धीरे एक एक करके सारे राजगुरु अपनी जान गवा बैठे। फिर आखिर में बचा हुआ राजगुरु को समझ आया कि उस चमकते हुए पत्थर में कोई शक्ति है जिसने सबकी जान ले ली। इस पत्थर को हमने छूकर गलती कर दी, ये लिखकर उसने मैप के साथ एक संदेशा भेज दिया और वो राजगुरु भी चल बसा। लकीली मुझे ये मैप मिला क्योंकि मेरे पूर्वज किंग डायनेस्टी से थे। एक बार मुझे सूर्यकांत सर से मिलने का मौका मिला, वो एक महान इंसान थे। मैंने उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया। इस मैप को समझने के लिए मैंने उन्हें ये बॉक्स दिया।
जब मैं उन्हें मिलने आई तब तक वो मर चुके थे। But God is great, मैं तुम सब से मिली। देव, इस मैप के चक्कर में ही सर की हत्या हुई है क्या? क्या किसी और को इस मैप के बारे में पता है? No, मुझे लगता है इंडिया में सिर्फ सूर्यकांत सर को ही इस मैप के बारे में पता था। तो अब क्या किया जाए? अगर तुम लोगों को बुरा न लगे तो I have an idea। सुनो, मुझे अच्छे से पता है कि वो पत्थर जंगल में कहाँ है। वो इस जगह से 250 किलोमीटर दूर है। Guys, just trust me। अगर तुम लोग मेरे पत्थर ढूंढने में मदद करोगे, I'm sure हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो जाएगा। और ये सूर्यकांत सर की लास्ट विश भी थी। उस वक्त हम तीनों को नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। डोलमा की बात सुनकर हम तीनों उस पत्थर की तलाश में ब्रह्मगिरी चले गए। देव, हम यहाँ पर क्यों रुक गए? एनी प्रॉब्लम? देखो, ये जगह एक जंगल है। अपनी गाड़ी को सेफली पार्क करने के लिए ये बेस्ट जगह है। तो अब आगे क्या? तुम लोग गाड़ी से सामान निकालो, मैं गाड़ी के लिए अच्छी पार्किंग की जगह ढूंढ के आता हूँ। मैप के हिसाब से हम एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर खड़े हैं। अगर हमें यहाँ इस जगह पे पहुँचना है तो हमें नॉर्थ की ओर एग्जैक्ट 30,000 कदम चलने होंगे। जानवी, हमें एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना होगा? रुक जा, मैं बताता हूँ। अभी हम तुम्हें बताना है, ये बताएगी, सुन लो। हम अभी वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर नॉर्थ जाना है तो इस तरफ जाना होगा। बाकी सब तो ठीक है, पर हम एग्जैक्टली 30,000 स्टेप्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? मे बी 9 to 10 माइल्स, पर exactly नहीं कह सकते। Don't worry, मेरे पास कुछ है। Come here. Just turn. अरे आराम से, करंट लग जाएगा। ये क्या दे दी? ये क्या है? ये हैंडमेड ट्रैकर है, इसमें GPS भी लगा हुआ है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और सैटेलाइट की मदद से ये हमारी पोजीशन बताएगा। और इसे दूसरे शब्दों में रूट प्लानिंग टूल भी कहते हैं। अगर हम में से कोई इस जंगल में खो जाए तो इस ट्रैकर की मदद से हम अपनी गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छा। मुझे एनाकोंडा बोलता है, यहाँ सच का एनाकोंडा खा लेगा। कैसा दोस्त है, मुड़ के देख भी नहीं रहा एक बार। शास्त्र, हाथी, हाथी आ, भागो 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 भागो, चलो। अरे भागो ना। तुम लोग ऐसे छुप क्यों रहे हो? अरे डोलमा, सारा डोलो मत आओ। कोई बताएगा क्या हो रहा है? मैरी है क्या? हाथी की आवाज नहीं सुनाई थी? एलिफेंट। पागल आदमी, ऐसे डरा है जैसे भूत देख लिया हो। कहा था घर बैठ के आईपीएल देख के आ माता। अच्छा, वाईफाई का बिल तो भरा नहीं, बोलता आईपीएल देख। अब दोनों झगड़ना बंद करोगे क्या? इस जंगल में हाथी नहीं रहते, सिर्फ शेर रहते हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने तो आए नहीं, चलो चलकर काम खत्म करते हैं। जल्दी चलो, टाइम नहीं है। जंगल में आया शेर। ए शास्त्री भूतिक, जंगल में कोई काला जादू कर रहा है, चलना, निकलते यहाँ से। What is all this? ये क्या अजीब चीजें लटका रखी हैं? मम्मी बोलती थी शास्त्री के साथ दोस्ती मत कर मत कर, आज लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये सब क्या है? अरे काला जादू है, डोंट टच, पीछे आ जाओ। What? क्या मतलब काला जादू है? You know, in our culture, we have 4 Vedas, Rig Ved, यजुर वेद, साम वेद और अथर्व वेद। इंग्लिश ढाड़ रहा है, उसको हिंदी आती है, हिंदी में समझाना ताकि हम लोग को भी समझ में आए। देखो, अथर्व वेद में हमें काला जादू जैसी कोई चीज करना नहीं सिखाते हैं, पर हमें एनर्जी को मैनिपुलेट कैसे करते हैं ये बताते हैं। एनर्जी कैन बी यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। वो कैसे? ओम नमः शिवाय।
ये है पंचाक्षरी मंत्र, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। पर अगर हम इसे उल्टा पढ़ेंगे तो यवशी महानमो, तो ये है नेगेटिव एनर्जी। तुमने ये महाभारत रामायण में सुना होगा, जैसे कि पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र। एक्चुअली उस जमाने में वो कोई अलग बाण नहीं होते थे, नॉर्मल बाण को मंत्र पढ़कर उनमें एनर्जी को मैनिपुलेट करके बाण छोड़ा जाता था। ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। शास्त्री, मुझसे और नहीं चला जा रहा है, भूख भी बहुत लगी। चलना, बैठ के थोड़ा खा लेते यार, फिर चलते हैं। हाँ सच में, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, पर थोड़ा और आगे चलते हैं। अरे यार, यहीं पर बैठ के खाते हैं ना यार, कभी नहीं सुनता है मेरी है। संभल कर, देख के कदम रखना। अरे बाप रे बाप, नुकीले पत्थर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक बात ऑब्जर्व किया है। आजकल चीनी माल बहुत इंडिया में आ गया, नहीं और हम इंडियंस को भी चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अपनी चीजों पर जरा ध्यान रखा करो। शट अप। अब बस बहुत हो गया, जंगल में चल चल के मेरे पाँव पे छाले पड़ गए। आगे चला जाए। अबे ओ, हमने इस जंगल का कोना कोना देख लिया है। पत्थर वत्थर कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुझे, ये हक्का नूडल बोल रही है कि वो पत्थर 150 साल पहले मिला था। अब वो पत्थर यहाँ पर है भी या नहीं है किसको पता यार, ये पत्थर के चक्कर में पत्थर ही हो जाएगी, मैं तो नहीं आ रहा। इस आदमी ने मेरे दिमाग की तही कर दी है, अभी बताता हूँ इसे। जिस जांच के बारे में तुझे कुछ पता नहीं है, क्यों बोला? क्या पता है तुझे पत्थर के बारे में? शामंतक मुनि, जिसकी वजह से कृष्ण पे आरोप लगा था। अश्वत्थामा ने अपने पापी कार्य की वजह से जिसे खोया था, वो था शिरोरत्न। सांप के जहर को भी जो मार दे, वो है गरुड़ापंच। मन की सारी इच्छा पूरी करने वाली होती है चिंतामणि। एक पत्थर को भी सोने में बदलने वाली होती है पुरुषमणि। कृष्ण ने जो जीती थी वो थी कौस्तुमणि। अगर ये सब पहले जमाने में मौजूद थी तो पक्का आज भी कहीं न कहीं मौजूद होंगी ही। तो मेरा दिमाग मत घुमा, रात हो रही है, चुपचाप पैर चला। देव, क्या सोच रहे हो तुम? हमारे प्लान के हिसाब से हम पहली डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। अगर हम लोग कल सुबह जल्दी निकल पाए तो हम दूसरी मंजिल पे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। अपना काम खत्म करके दोबारा हम इसी जगह पे लौट के आएंगे, क्योंकि ये जगह सेफ है। पत्थर के चक्कर में तूने पूरा जंगल घुमा डाला, अगर जंगल में मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, कभी पॉजिटिव भी सोच कर देखो। अगर हमारे हाथ वो पत्थर लग गया ना, तो पूरे देश में हमारा नाम होगा। उस पत्थर की शक्ति ही ऐसी है। यस, यू आर राइट। इस पत्थर के बारे में सुनने के बाद मुझे एक आर्टिकल याद आया जो मैंने कुछ वक्त पहले पढ़ा था। हे गाइस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सर स्लोली समझाओ। तेरी माँ चांद नहीं बोलता, एक तो वैसी ताकत नहीं है, ऊपर से बोलती है दोबारा बोलो। मैं दोबारा बोलूंगा तो भी तुझे कुछ नहीं समझेगा, अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड? यार आई एम मिसिंग बैंडस्टैंड, रॉक्स पे बैठ के बोलना क्या चाहता है? Nothing. He is cracking a joke on you. Anyways, I like you. Good night, guys. तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? बस करा जानवी, शुक्र कर कि मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। चांद पड़े पानी पर पत्थर मत मार, प्लीज। वेरी फनी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ, जानवी चिल्ला क्यों रही है? What happened? देव को हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिल रहा।
कहाँ चला गया वो? पता नहीं। ये ना हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे अकेले छोड़ के हमेशा भाग जाता है। तुम लोग एक काम करो, यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। संभल कर। हाँ, ओके। अरे वो देखो शास्त्री आ गया। कहाँ चला गया था तू? Where were you? मैं तो जॉगिंग के लिए गया। जंगल में जॉगिंग? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पागल। बहुत लेट हो गया, सामान पैक करके निकलते हैं। ये कैसी आवाज है? चांद सी महबूबा हो, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही तो हो। आहा। बोला था वापस चलते, पर तू सुना नहीं। देख अब क्या हो गया इसके साथ। देव यहाँ रुकना खतरनाक है, चलो वापस चलते। हाँ, इसकी सुनो मत, चलो मेरे साथ। खुद तो मरेगा और हम सबको मरवाएगा साथ में। डोलमा Thank you.
पानी। जानवी, जानवी, देव, अब कैसा लग रहा है तुम्हें जानू? देव, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? जो सच है वो बोलना तू। अब तुझे क्या हो गया है? होने को कुछ बचा है क्या? तेरी बातें सुनकर एक बिचारी बेड पर पड़ी है और दूसरी की लाश जंगल में पड़ी है। अगर तेरे साथ ज्यादा रहना तो मैं भी बहुत जल्द ऊपर पहुँच जाऊंगा। माफ कर दे यार, अब नहीं रहना तेरे साथ। दोस्ती निभाते निभाते तू तो जान लेने पे आ गया। तुम डर गई हो क्या जानू? जब तुम मेरे साथ होते हो तो डर नहीं लगता। ये क्या है? सर वो छोटी सी गलती है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तेरी ये छोटी छोटी गलती कब बड़ी बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। क्या रे, कहाँ मुंह मार रहा था? तुझ पर भरोसा करके उस सूर्यकांत का केस तुझे दिया, लेकिन एक कीड़े तक की खबर नहीं दी तूने। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा। एक हफ्ते में केस सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा खतरनाक रूप देखेगा। जा। मेरी पूरी सर्विस में मैं आज तक इतना बेइज्जत नहीं हुआ। अगर हर कोई अपना काम सही करेगा तो सब सही होगा ना। रमना, ये कॉफी ला कर दो मुझे। हर कोई बकवास ही करता है। सर, वो लॉज के मर्डर के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर ली है। सर, इसका नाम डोलमा है, ये चाइना से है। 15 दिन का वीजा लेकर इंडिया आई है। इंडियन एम्बेसी से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक मिडिल क्लास लड़की है, हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। पर इंडिया में आने की इसकी क्या वजह हो सकती है ये पता नहीं सर। वो तो ठीक है, पर उस रवि का और इस लड़की का क्या संबंध है? वो वहां पर क्या कर रहा था? वो तो सर कॉफी। हाँ सर, ये लड़की क्या हो गया? रमैया, इस लड़की को तुम पहचानते हो? एक मिनट सर, प्रमोशन के लिए चाटुगिरी कर रहा है। सर, इस फोटो में जो लड़की है उसकी तो कल हत्या हो गई सर। इसकी लाश को पहचानने के लिए सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स भिजवाया है। हेलो, इस सूर्यकांत के नंबर पर किसी डोलमा नाम की लड़की के फोन कॉल्स कभी आते थे क्या? कोई ईमेल या तो व्हाट्सएप पर कोई चैट हिस्ट्री, ये डिटेल्स देखकर मुझे इमीडिएटली बताओ। सर, पिछले एक साल में दोनों के बीच में कोई मेल एक्सचेंज नहीं हुआ है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन है? उनके बीच किसी रिसर्च के बारे में डीप डिस्कशन है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। और ये मैसेज कौन सी डेट्स पर आए थे? सर, 28 नवंबर को आए हैं सर। मैसेज में क्या लिखा है? मैसेज में लिखा है कि 25 दिसंबर को वो उनसे मिलने के लिए इंडिया में आएंगी। ओके, थैंक यू जॉन। हाँ ओके सर। सोमू, ये सूर्यकांत की मौत की डिटेल्स क्या है? सर, December 24th सर। हत्या से आपका क्या संबंध है? इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा एक गैराज है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वो लोग
कार रखने के लिए आए थे। मैंने परमिशन नहीं दी, फिर भी रख के चले गए। कौन थे वो लोग? क्या वो लोग भी चाइनीज नहीं थे? बस एक लड़की चाइनीज थी, बाकी सब यही के थे। वो कितने लोग थे? आए तो 4 लोग थे, पर जाते वक्त सिर्फ 3 लोग गए थे। सबसे पहले किसने देखा? मैं राउंडअप पे था तभी इसकी लाश जंगल में दिखी। सिर पर एक गोली लगी हुई थी। जगह की छानबीन की तो फायरिंग हुई थी, ये बात समझ में आई। ये लड़की यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था? वो गैरेज वाले ने देखा है। मैं बुलाऊं उसे? सर बुलाओ उसे जल्दी। ए कासिम। सर हाय। देव हाय। जानवी देव क्या सोच रहे हो तुम डोलमा के बारे में? हाँ देव, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है। क्या बात है जानवी? वो विल यू मैरी मी? हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना, कहीं दूर जाकर सेटल हो जाते हैं। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है जानवी। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा अकेले रहना सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ स्वरा के घर लेकर आया हूँ। ये जगह सेफ है, तुम कुछ दिन यहीं रहो। सॉरी देव, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में आकर मैंने पूरी तरह से उथल पुथल मचा दी है। ऐसा नहीं है जानू, जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है। तुम ज्यादा मत सोचो। बस करो देव, अब इसे यहीं खत्म करते हैं, यहीं रोक देते हैं सब कुछ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ठीक है, इस बारे में कल बात करेंगे। तुम अभी जाके रेस्ट करो। हेलो, कहां पर हो? एक अर्जेंट काम था, गेस्ट हाउस की चाबी चाहिए। तक जो हुआ वो सारी कहानी आपको बता दी, पर अब तो मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। आ
आज की खास खबर, शिमोग में आने वाले तीर्थली के ब्रह्मागिरी जंगलों में एक लड़की की लाश मिली है। इस लड़की का नाम शिरीन दोलमा है। वो चाइना देश की नागरिक थी और वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। जानू, दिसंबर जानू, की 24 तारीख को बेंगलुरु में आई थी और ऐसा पता चला है कि वो मैजेस्टिक के 5-स्टार होटल में रुकी हुई थी। इस केस को इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं और उन्होंने बताया है कि इस हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है देवकी नंदन शास्त्री का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है स्वरा। देव का इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। कोई बेवजह उस पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है स्वरा, डोलमा को शूट करने वाला देव नहीं था। ओह गॉड, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या करूं मैं स्वरा? तुम अभी देव को कॉल करो, ठीक है? होने के कारण अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी बंद है। स्विच ऑफ आ रहा है। ओह, के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत पुलिस को फोन करके जानकारी दे। हेलो। हेलो, मैं एनजी बोल रहा हूँ। मैंने मैसूर में पूछताछ की लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। क्या तुम उसके घर जाकर देख सकती हो? डर के मारे उसने कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? देव, देव, हाँ, देव, हाँ, हाय जानवी, मैं जानता हूँ तुम मेरे कॉल का वेट कर रही होगी। तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, वहाँ फौरन आ जाओ। तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। पक्की इन्फॉर्मेशन है सर, जानवी फैक्ट्री में ही है। क्या? जल्दी मुझे लोकेशन भेजो। ओके सर। देवकी नंदन शास्त्री के बारे में बाहर तो तरह तरह की हॉट न्यूज चल रही हैं और तुम यहाँ अंदर छुपकर कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो। क्या कहा था? मेरी कुंडली ठीक नहीं है और मुझसे जुड़े हुए लोग हमेशा तकलीफ में ही रहेंगे। अगर आसपास तुम जैसे लोग रहेंगे तो परेशानी तो होगी ही ना। एक मिनट मेरी बात तो सुन। जान नाम मत लो, तुम मेरा नाम लेने के भी लायक नहीं हो। तुम पर भरोसा करके मैंने तुमसे प्यार किया ये सोचकर मुझे शर्म आ रही है। उस पत्थर के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ना? यू आर अ चीटर। हे, पूरी बात जाने बिना मुझ पे चलाओ मत। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया था? तुम आई थी ना? आई थी, मदद के लिए आई थी, धोखा खाने के लिए नहीं आई थी। कल मैं जब ऐसा ही विजय से बात कर रही थी तभी तुम्हारा मैसेज देखकर मुझे पता चला कि दूर रहकर भी तुम मेरे बारे में सोचते हो। ये सोचकर मुझे प्राउड फील हो रहा था। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं हर जगह गई पर तुम कहीं नहीं मिले और इसीलिए फिर मैं तुम्हारे घर गई पर वहाँ तुम नहीं मिले। तुम्हारा लगाया हुआ मुखौटा मिल गया। उस पत्थर के बारे में सुनने के बाद मुझे एक आर्टिकल के बारे में याद आया। हमारे प्लान के हिसाब से हम अपनी पहली डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। इतने दिनों से तुम ये प्लानिंग कर रहे थे? शामन तक बनी जिसकी वजह से कृष्ण पे आरोप लगा था। अश्वत्थामा ने अपने पापी कार्य की वजह से जिसे खोया था वो था शिरोरत्न। सांप के जहर को भी जो मार दे वो है गरुड़ा पंच। मन की सारी इच्छा पूरी करने वाली होती है चिंतामणि। एक पत्थर को भी सोने में बदलने वाली होती है पुरुषमणि। देव बताओ मुझे धोखा क्यों दिया?
तुम्हारा इस बात से क्या संबंध है? डोलमा को क्यों मारा तुमने? डोलमा को मैंने नहीं मारा है, तुमने मारा है। What? हाँ, अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, तुम हर बात समझ जाओगी। मैं और विजय बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उसने मुझे कॉल करके बोला कि अर्जेंटली मिलो। उसकी बताई जगह पर मैं उसके बताए टाइम पर पहुंच गया। वहां उसने मुझे एक आदमी से मिलवाया, उसका नाम था डॉल्फिन। सूर्यकांत जी के केस को विजय हैंडल कर रहा था। उसे जैसे ही पता चला, वो विजय के पास एक डील लेकर आ गया और वो डील विजय ने मुझे दे दी। इस डील की कीमत है 100 करोड़। इस डील को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पैसा मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखता है। डोलमा की बताई कहानी को मैंने विजय के मुंह से पहले ही सुन लिया था और मैंने भी इस मामले में पहले से ही बहुत रिसर्च करके रखी थी। मुझे पहले से ही उस पत्थर की हिस्ट्री पता थी। जैसे ही मुझे उस पत्थर का ऑफर मिला, सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर उस पत्थर को ट्रेस करने के लिए तुम्हें इस लड़की को ट्रैप करना होगा। उस दिन तुम्हारी फोटो देखते ही मैं समझ गया ये काम इतना आसान नहीं है। पर उस दिन लाइब्रेरी में मिलने के बाद हम ना चाहते हुए भी करीब आ गए। बिना मेरे कुछ पूछे ही तुम मुझे अपनी हर बात बताने लग गई। हर चीज मेरे प्लान के हिसाब से चल रही थी, पर इस कहानी में जो ट्विस्ट आया वो था डोलमा की वजह से। क्या कहा तुमने? डोलमा की मौत के लिए जिम्मेदार मैं हूँ? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम हो। झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं विश्वास करूंगी? विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें याद है उस रात अटैक किस पे हुआ था? तुम पर। और जंगल में भी उनका टारगेट तुम ही थी, पर उनका निशाना बनी डोलमा। वो लोग मुझे क्यों टारगेट करेंगे? ये है उसकी वजह। एक प्रॉपर्टी को लेकर एमएलए निजगुना और सूर्यकांत जी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। ये तुम्हारी जगह सरकार की है और उससे मिलने वाला यूरेनियम इस देश का है। नहीं दिया तो मैं तुम्हें बस 3 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो UCIL को या मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इस पेन ड्राइव में रखी हुई सारी जानकारी भेज दूंगा। अगर ये बात बाहर निकलती तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, इसीलिए उसे खत्म करके केस को बंद करने का सोचा उसने। अब तुम्हारी वजह से ये केस वापस रीओपन हो गया तो उसने तुम्हें रास्ते से हटाने की सोची। जानती हो, तुम्हारे पास पड़े पजल बॉक्स में पेन ड्राइव है ये सोचकर वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। पर पेन ड्राइव थी सूर्यकांत जी के घर में पड़े रूबिक क्यूब के अंदर। मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था, पर तुमने मुझसे शादी की बात कह दी और मैं कुछ कह नहीं पाया। तुम जो भी कह रहे हो उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, विश्वास करना है तो करो, वरना यहां से चलती बनो। देव, बस एक और सवाल का जवाब दे दो। अब क्या है? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। झूठ मत बोलो देव। तो उस दिन गाड़ी में किस क्यों किया और हॉस्पिटल में इतनी केयर क्यों कर रहे थे? सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। बताओ ना, तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? अरे कितनी बार कहूँ तुमसे, तुम्हें यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही कारण था। मुझे पता था कि विजय तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ भी पहुँच जाएगा। समझ गई तुम? और कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। थैंक्स देव। ये शास्त्री, ये गेम तो मैंने इन्वेंट किया था और तू उस पर मेरी कब्र बनाने निकल पड़ा। ये चक्रव्यूह तो मैंने बनाया है, तू इसके अंदर आ तो सकता है और इसमें से बाहर नहीं निकल सकता है। अबे विजय, तू भी तो इस चक्रव्यूह के अंदर आया है। बोलना मत, ये चक्रव्यूह तूने बनाया है या मैंने बनाया है तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब तक तू मेरा नाम एक बार फिर से सुन ले। सिर्फ शास्त्री नहीं, देवकी नंदन शास्त्री हूं मैं। ए, तेरे साथ वो डील मैंने सिर्फ पैसों के लिए नहीं की थी, अपनी दोस्ती के लिए की थी, समझा तू? दोस्ती क्या?
ये दुनिया पैसों पर चलती है और पैसों से इज्जत खरीद सकते हैं। दूसरों की टांग खींच कर उस पर अपनी टांग रख कर ऊपर उठना होता है। तेरे आखिरी वक्त में तुझे एक सच बताता हूँ मैं। तेरे सूर्यकांत को मारा था मैंने, जानवी को मारने की डील भी दी थी मैंने। मेरा बनाया हुआ सारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। तुझ पर इन सारी हत्याओं का आरोप लगाकर तेरा एनकाउंटर करने का प्लान था मेरा, और फिर वो उन 100 करोड़ रुपयों को मुझे दे देता। जानवी को रास्ते से हटाने के लिए वो एमएलए मुझे 2 करोड़ दे देता। मैं तो करोड़पति बनने के सपने देख ही रहा था कि तूने मेरे बनाए हुए सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। तेरी तब कहाँ है तू? अबे बहुत जल्दी है क्या? तेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में तेरे पास पहुंच जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1 सूर्यकांत को आपुन नहीं मारा है, पर सुपारी देने वाले थे एसआई विजय और एमएलए न्यूजगुना। हेलो, ये क्या है विजय? सर मुझे सर बात सुनिए सर, वो फेक न्यूज है सर। सर कहा था ना ये चक्रव्यूह तूने बनाया है या मैंने, तुझे पता चल जाएगा। अगर इस केस में मेरा नाम आया तो तुझे खत्म कर दूंगा। बाहर आ, कहाँ है तू? अरे आ गया यार, चिल्ला क्यों रहा है? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? प्लान तेरा पर खेल मेरा। तेरे असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने मैंने नंगा कर दिया। मजा आया ना? तूने मेरे खेल को बर्बाद कर दिया। बीस साल की मेहनत से बनाए मेरे साम्राज्य को तूने 1 मिनट में बर्बाद कर दिया। मुझे अपनी मूंछें मुड़वा कर पुलिस से मीडिया से छुप छुप के जीना पड़ रहा है। तू क्या क्या कहा था उस दिन? उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को तूने एनकाउंटर में मार दिया तो फिर बच कैसे गया वो, और मीडिया के सामने खड़े होकर सब बता कैसे रहा है? मेरा बनाया हुआ प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। उस डॉलमा को किडनैप करने के लिए तुझे किसने कहा था? बता मुझे। सूर्यकांत से मिलने के लिए चाइना से एक लड़की आई है सर। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, पैसा भी हमारा है और सरकार भी हमारी। इस केस को हम खत्म कर सकते हैं। एक और बात बताता हूँ तुम्हें, इस सब झमेले का कारण वो देव है, हमें उसे जान से मार देना होगा। तू जैसे बेईमान को गोली मार देनी चाहिए, उसे तो मारूंगा ही, लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। ए, क्या तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? Yeah!
As I expected, तुम दोनों के कर्मों ने तुम्हें जानवर बना के रख दिया। इस चक्रव्यूह से भले ही मैं जिंदा नहीं निकल पाऊं, लेकिन मैं किसी को निकलने भी नहीं दूंगा, और इसी को कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ब्रेकिंग न्यूज, सूर्यकांत की हत्या में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। इसमें खादी ने खाकी के साथ मिलकर अपने मंसूबे किए पूरे। एक स्टिंग ऑपरेशन में ये कड़वा सच आया है सामने। हेलो। हाय जानवी। जिससे आप प्यार करते हो ना, उसके साथ कुछ गलत हो, ये देख के सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को छलना पड़ता है। और उसके बाद ही आप मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है जो हम पे भरोसा करते हैं, तो धर्म और अधर्म के ऊपर जाके सोचना पड़ता है। आपकी जिंदगी में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका फैसला आप खुद करते हैं।